हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल राइट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री है ना उसके बारे में। सो हमने देखा था कि आपने चार पांच वीडियो हम देख चुके हैं केमिस्ट्री के बारे में। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें हमने देखा था जो आपका वियोजन अभिक्रिया होती है उनके जो पार्ट थे उसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज से वो है हमारे पास में विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। सो विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। कैसा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंतर्गत होता क्या है वो समझेंगे। क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को यौगिक से अलग कर देगा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ है कम क्रियाशील पदार्थ की जगह पर बैठ जाता है, जो कम क्रियाशील पदार्थ होता है उसकी जगह पर बैठ जाता है आके। जैसे कि आप समझ लो इसको, आप औकात औकात नहीं कह सकते, हैसियत की तरह समझ लो, क्योंकि जिस इंसान की हैसियत होती है उस तरफ किस्मत उसकी मुड़ जाती है। जैसे कि आप देखते हो एफी जो सॉलिड के रूप में है, मतलब फेरस बोलते हैं, लोहा, इसे आप जानते ही होंगे। और एक है CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन है हमारे पास में। क्या है? एक्वा सॉल्यूशन। आप देखते हो FeSO4 और CuS बन जाता है हमारे पास में इधर जाके उत्पाद वाले भाग में। आपने देखा यहाँ पर कि फेरस जो है वो आपका अकेला था, लेकिन क्या था, और SO4 और Cu यहाँ पर दोनों एक साथ थे ना, यहाँ पर ये क्या थे, एक साथ थे। लेकिन क्या था, जो Fe था वो ज़्यादा ताकतवर था Cu के मुकाबले। Cu मतलब आप इसे आमीय देखते हो कि ये क्या है, कि ये एक तरीके से आप समझ सकते हो ये एक रिच मैन है। कैसा है? रिच मैन। और ये कैसा है? पुअर मैन। पुअर मैन कौन है आपका? Cu कौन है? पुअर मैन। तो SO4 देखेगा भाई इसके पास में क्या है, Cu के पास में क्या है। सो ये क्या करता है, SO4 चला जाता है Fe के पास में। सो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा कि FeSO4 प्लस Cu। Cu बेचारा अलग हो जाएगा, क्योंकि जिस अगर आप देखते हो कि रिश्ते आजकल पैसे से चल पाते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो रिश्ते चलते हैं। कि आप देखते हो FeSO4 फेरस सल्फेट बन रहा है, आपका फेरस सल्फेट बन रहा है, क्या हो रहा है कि आपका Cu अलग हो जा रहा है। ऐसे ही अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे कि यहाँ पर ये अधिक क्रियाशील पदार्थ है, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, जल्दी रिएक्शन करता है ये, है ना। किसी भी चीज़ को अगर आप देखते हो कि रिच मैन क्या होते हैं, किसी भी चीज़ अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो उसे जल्दी खरीद लेते हैं। और जो मिडिल क्लास या पुअर मैन होते हैं वो क्या है, थोड़ा सोचते हैं उसके बारे में, सोचने के बाद में तभी उस चीज़ को ख़रीदते हैं। सो आप देखते हो कि आई होप मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसकी आपको परिभाषा बता देता हूँ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ के यौगिक से अलग कर देता है, यौगिक को अलग कर देता है। ये जो है ये आपको Cu को अलग कर दे रहा है SO4 को अपने पास में बुला के, अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब करेंगे वीडियो को पुश और लिखेंगे आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, विस्थापन अभिक्रिया। समझते हो? अब यहाँ पर डबल होगा। पहले क्या हुआ था, पहले एक विस्थापन हो रहा था तो एक का हो रहा था, अब यहाँ पर डबल विस्थापन होगा, मतलब उल्टा पुल्टा चलेगा। यहाँ पे इसका पदार्थ वो ले लेगा, वो उसका पदार्थ ये ले लेगा। मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये मान लो कि आप स्कूल में हो, स्कूल में आपने देखा कि आपके पास दाल है, खाने की बात कर रहा हूँ अभी, देखो खाने मत बैठ जाना आप लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। आपके पास केवल दाल है और जो आपका दोस्त है उसके पास केवल चावल है। क्या है? चावल है। आप क्या करोगे, उससे थोड़े से ले लोगे चावल आप, और उसे दे दोगे आप थोड़ी सी चावल, है ना। दाल चावल आप क्या मिलेगा, मिलके दाल चावल दोनों को खाने मज़ा आएगा ना। अब या फिर आप ये करते कि केवल दाल दाल खा लेते और चावल चावल खा लेते तो मज़ा नहीं आता ना। हाँ, तो क्या करोगे आप, दोनों मतलब मिक्स काम करोगे कि भैया मैं तेरे को दाल दे रहा हूँ, तू मेरे को चावल दे दे, है ना, तो दोनों आराम से बैठ के खाएंगे। सो इस प्रकार से यहाँ पर कार्य चलेगा। द्विविस्थापन इसलिए कि अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे दूसरी बात मैं और बताऊँ, इसमें क्या बनता है, अवक्षेप बनता है,
अवक्षेप, क्या बनता है मेरे दोस्त? अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आप देखते हो कि जैसे ही आपका दूध फटता है, क्या होता है? दूध फट जाता है। दूध फटने के बाद क्या होता है? दूध फटने के बाद और जो जल जैसा होता है वो ऊपर रह जाता है, और जो फटा हुआ भाग रह जाता है वो नीचे बैठ जाता है। वो होता है आपका अवक्षेप। जो मतलब आप किसी चीज़ में मिला रहे हो, कुछ चीज़ नीचे आके बैठ जाए, तो वो होती है अवक्षेप। अब देखो उदाहरण में क्या है कि Na2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन जानते हो ना, हमने Na लिया, SO4 लिया, उसे पानी में हमने मिला दिया, एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर क्या है, BaSO4 का एक्वा सॉल्यूशन लिया भैया, क्या बना मेरे दोस्त? Ba। अब देखो आप देखते हो SO4 और यहाँ पर क्लोराइड है, यहाँ पर SO4 नहीं है, यहाँ पर क्लोराइड है। अब देखो क्या होगा कि ये Na ये क्या करेगा, Cl अपने पास ले लेगा और SO4 को इसे दे देगा कि भाई तू मेरे को चावल दे दे, मैं तेरे को दाल दे दे रहा हूँ, दोनों मिक्स करके खा लेंगे। इस प्रकार से अब क्या होगा कि भैया Ba क्या ले लेगा, SO4 ले लेगा। क्या ले लेगा भाई? SO4 ले लेगा, और क्या बन जाएगा भाई? अवक्षेप बनेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब ये क्या बन गया, आपका अवक्षेप बन गया। और दूसरी बार में क्या हो रहा है भाई, Na2 आ रहा है भाई, Na2 क्या करेगा, सी क्लोराइड को ले लेगा। आप देखते हो दो इधर हैं, दो इधर हैं, तो ये वाले कट के यहाँ पे सामने लग जाएगा। क्या बचेगा भाई? एक्वा सॉल्यूशन बचेगा। आप देखते हो Na2SO4 ये वगैरह, ये रिएक्शन हो चुकी है डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन में। आप देखते हो कि दोनों आपस में बांट लेते हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। सो ये इसकी परिभाषा है, आप इसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और आप इसे कर सकते हैं। आई होप, मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या है, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नोट द पॉइंट, ह्रास क्या होता है, ह्रास क्या होता है, ह्रास होता है कटना, घटना, है ना, क्या होता है, घटना। और योग तो आप जानते ही होंगे, योग किसे कहते हैं, है ना। सो अब अपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अब इसने जिस हिसाब से कहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का, सॉरी, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब कहने का मतलब यह है, इस अभिक्रिया में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन कटेगा, या तो ऑक्सीजन दूसरे के पास चला जाएगा, और या फिर हाइड्रोजन हट जाएगा, कुछ ना कुछ तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उदाहरण क्या दिया है हमने, इसने दिया है कि CuO कॉपर ऑक्साइड है ना, सॉलिड रूप है। सो कहने का मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन का या तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा, क्या कह रहा है, ह्रास होगा, मतलब ऑक्सीजन या तो घटेगा और या आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। दो काम होने हैं, दोनों में से एक कार्य तो अवश्य होगा, है ना। सो आप देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि CuO कॉपर ऑक्साइड किसके रूप में, सॉलिड के रूप में, और हाइड्रोजन गैस के रूप में, क्या बनेगा, CuO। अब क्या कह रहा है, या तो ऑक्सीजन हटेगा, भाई ऑक्सीजन हटा दो और इसे दे दो कि भाई तू रख ले, ऑक्सीजन हमने हटा के इसे दे दिया, ये तो अभी सॉलिड के रूप में है, प्लस ये जो H2 है O के आते ही ये किसके रूप में बदल जाएगा, लिक्विड के रूप में, यही ऊपर लिखा था, है ना, किसके रूप में, लिक्विड के रूप में बदल जाएगा। सो हुआ क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ था, यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, ऑक्सीजन केवल कट गया है, यहाँ से कट के इसके पास में आ गया, यहाँ से कट के आ गया। अब हम इसे ये तो नहीं कह सकते कि भैया कि ये क्या है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो तो अपनी उस अभिक्रिया में होती है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन या तो, हाँ अगर देखो यहाँ पर ये होता, यहाँ से कट चुका है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, ये हाइड्रोजन यहाँ भी आ सकता था, लेकिन ये रिएक्शन नहीं चल पाएगी। सो ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ से उठ के यहाँ पर जाएगा, सो ये बन जाएगा। एक और रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं उपचयन रिएक्शन, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया, इस अभिक्रिया, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में अभी लिखूंगा, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि इसमें क्या होगा, इसकी परिभाषा में ये हो जाएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, भाई मेरे भाई इसमें ऑक्सीजन का, मैं इसे कपड़े से मिटा लेता हूँ, अब की ये परिभाषा बन जाएगी यहीं पर, ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है,
ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। बस ये इसका जस्ट अपोजिट है, क्या होगा, ह्रास होता है, होता है उसे क्या कहते हैं, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ से अपचयन की जगह पर हम कर देंगे, आपकी परिभाषा बन चुकेगी पूरी पूरी, उपचयन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन आपका कट जाएगा, इतना होगा। सो इसी में मिटा देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो इसे उदाहरण को, इस वाले को मैं मिटा देता हूँ और देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या होगा। इसमें इसमें जो उदाहरण होगा वो होगा आपके पास में Cu, है ना, आप Cu और ऑक्सीजन को लेंगे, हम कॉपर को और ऑक्सीजन को ले लेंगे, यहाँ पर 2 होगा 2CO और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो ही जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ जाएगा, आप देखते हो CuO, यहाँ पर क्या होगा, बस आपका ऑक्सीजन जुड़ चुका है जैसा कि इसने यहाँ पर कहा था। इस प्रकार से यहीं पर देखिए अब क्या है, इसके बारे में कुछ मैं आपको बेसिक सी एक और परिभाषा रह गई है, एक और मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में इसका वीडियो को करेंगे अंत। सो इसे मिटाने के लिए मैं करता हूँ वीडियो को पुश और देखते हैं आगे। हाँ, तो अब है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, इंग्लिश लिख देता हूँ इसकी, रेडॉक्स, REDOX, रेडॉक्स, अभी मैं बताऊंगा अभी ये अभिक्रिया कैसे हुई। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया या क्या कहते हैं भैया, उपचयन अपचयन रिएक्शन कहते हैं, उपचयन या अपचयन रिएक्शन। अब देखो मैंने ये रिएक्शन लिखी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक अभिकारक का क्या होगा, अपचयन होगा और दूसरे अभिकारक का उपचयन होगा, दोनों भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दोनों काम एक साथ होंगे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि Cu, आप देखो Cu यहाँ है और यहाँ है, इसको आप देखोगे मिला के देखोगे, सो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है मेरे भाई अपचयन, अपचयन। ऑक्सीजन का क्या हुआ है भैया, अपचयन, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से कटा है, क्या हुआ है कि Cu यहाँ पर CuO था, यहाँ पर Cu हो चुका है। और आप देखते हो हाइड्रोजन और H2O में यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है उपचयन, उपचयन क्या हुआ है, उपचयन, यहाँ पर हुआ है अपना उपचयन। तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हुई। अब मैं बताता हूँ ये आपका रिडॉक्स अभिक्रिया निकला कैसे। देखो क्या था, अपने पास में एक था रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन, एक था आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो इसमें से हम क्या करें, अगर आपको रिडॉक्स अभिक्रिया बनाना है, है ना, तो आप क्या करोगे, इतना ले लोगे आप इसमें रिडक्शन में से, तो आप इतना ले लो और ऑक्सीजन में से इतना ले लो, इनको पास पास रखोगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर बनेगा, देखो ये बनेगा आपका इस प्रकार से कि REDO, है ना, DO, मतलब ये D ले लो या फिर ये O ले लो, एक ही बात है, X बन गया ना रेडॉक्स, बन गया ना रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से ही आपका ये बनता है। अब देखो आज की वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो में क्या करेंगे, इनके हम जो क्वेश्चंस होंगे उसे करते हैं। उससे पहले छोटा सा मैं कहता हूँ कि वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, क्या है, वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालात से हारने मत देना, बस खुद को हालात से हारने मत देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।